हेलो गाइस, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। 30 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 8। राइट ऑप्शन है आपका B। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन A तत्सम, ऑप्शन B तद्भव, ऑप्शन C देशज, ऑप्शन D विदेशज। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है तत्सम। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाचनालय, ऑप्शन B समतल, ऑप्शन C विद्यालय, ऑप्शन D पशु। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन D पशु। रूढ़ शब्द से वाचनालय, समतल, विद्यालय, ये तीनों शब्द एक कैटेगरी में आते हैं और पशु अलग आ जाता है, ये जानवर में आते हैं, इसलिए ये इनसे भिन्न हुआ। तो तीसरे का राइट ऑप्शन होगा आपका पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है? ऑप्शन A पवित्र, ऑप्शन B कुशल, ऑप्शन C विनिमय, ऑप्शन D जलज। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा D जलज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन A मलज, ऑप्शन B जलज, ऑप्शन C पंकज, ऑप्शन D बेवब। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन D बेवब। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन A तत्सम, ऑप्शन B तद्भव, ऑप्शन C देशज, ऑप्शन D देशज। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन A तत्सम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है तत्सम, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 7, मजिस्ट्रेट शब्द है? ऑप्शन A तत्सम, ऑप्शन D तद्भव, ऑप्शन C देशज, ऑप्शन D विदेशज। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन D विदेशज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन A अग्नि, ऑप्शन B प्रार्थना, ऑप्शन C खेत, ऑप्शन D लोटा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन D राइट आंसर होगा लोटा। 9, स्वतंत्र सत्ता धारणा करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन B यौगिक। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन A लेखक, ऑप्शन B पुस्तक, ऑप्शन C विद्यालय, ऑप्शन D यौगिक। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन C विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन A प्रयोगात्मक, ऑप्शन B समानार्थक, ऑप्शन C अनेकार्थक, ऑप्शन D विपरीतार्थक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन B समानार्थक। क्वेश्चन नंबर 12, योग्य शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन B पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 13, विवाह भरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन A तत्सम, ऑप्शन B तद्भव, ऑप्शन C देशज, ऑप्शन D संकर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन A तत्सम। क्वेश्चन नंबर 14, योग ऋण शब्द कौन सा है? A पीला, ऑप्शन B घुड़सवार, ऑप्शन C लंबोदर, ऑप्शन D नाग। क्वेश्चन नंबर 14 में का राइट ऑप्शन है लंबोदर, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन A पड़ोसी, ऑप्शन B गोदुम, ऑप्शन C बहु, ऑप्शन D शहीद। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है B गोदुम। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन A बैंक, ऑप्शन B मुंह, ऑप्शन C मर्फ, ऑप्शन D पटलाव। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन B मुंह। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है B मुंह। क्वेश्चन नंबर 17, जिस शब्द के कई सार्थक खंडों हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन A रूढ़, ऑप्शन B यौगिक, ऑप्शन C योगरूढ़, ऑप्शन D मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन B यौगिक। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन A ढिबरी, ऑप्शन B पगड़ी, ऑप्शन C ढोर, ऑप्शन D पुष्कर। राइट ऑप्शन है D पुष्कर। 18वें का राइट ऑप्शन है D पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 19, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है 19वें का C देशज। क्वेश्चन नंबर 20, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन A फारसी, ऑप्शन B अरबी, ऑप्शन C तुर्की, ऑप्शन D पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन B अरबी। क्वेश्चन नंबर 21, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन A चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी दोनों एक जैसे हैं, अगर एग्जाम में आता तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट है ऑप्शन A चीनी। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन A फ्रेंच, ऑप्शन B अंग्रेजी, ऑप्शन C टच, ऑप्शन D चीनी।
क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। 23 क्वेश्चन नंबर 23 संकर शब्द का अर्थ है एक तत्सम शब्द, एक बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। रेलगाड़ी शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी शंकर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शंकर रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 वानर का तद्भव रूप है। क्वेश्चन ए वानर, क्वेश्चन ए वानर, क्वेश्चन बी बंदर, क्वेश्चन सी ऑप्शन बांदर, क्वेश्चन डी ऑप्शन बांदर। राइट ऑप्शन है आपका बी बंदर। क्वेश्चन 26 दर्शन का तद्भव रूप है बी। राइट ऑप्शन है बी दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है ऑप्शन बी दर्शन। दोनों का बी, तीनों का बी भी आंसर है 25 26। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए दुगम, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी कोट, ऑप्शन डी अजीब। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए उद्गम। क्वेश्चन 28 अपील शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी विदेशज। मघई शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन बी तद्भव। 29 का राइट आंसर है बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 23 संधि शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 31 लोटा शब्द है तत्सम, ए बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है देशज। क्वेश्चन नंबर 32 कमल किस प्रकार का शब्द है? रूट, यौगिक या यूरोन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रूट। 32 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रूट। क्वेश्चन नंबर 33 पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है यौगिक बी। क्वेश्चन नंबर 34 दशानन किस प्रकार का शब्द है? ए रूट, बी यौगिक, सी योगरूण, इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट ऑप्शन होगा सी योगरूण। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन होगा डी घोटक, तत्सम घोटक, लेकिन जान सच एक प्रकार के शब्द हैं, घोटक अलग है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन होगा डी कैंची। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ए बरात, बी वर्षा, सी हाथी, डी आंसू। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन है बी वर्षा। गाइस आज 37 क्वेश्चन का है, अगली वीडियो हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर लेंगे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड जय हिंद जय भारत। Thank you everyone for watching this video.